अगली खबर आ रही है रतलाम से, जहां ग्राम नानलेटा निवासी 17 वर्षीय ललित पाटीदार को देखने के बाद हर कोई अचंभित हो जाता है। वजह है ललित के पूरे चेहरे पर लंबे घने बालों का होना। वेयरवोल्फ सिंड्रोम के चलते हुई दुर्लभ बीमारी से ललित कई परेशानियों के बीच अपने हौसले को बुलंद रखे हुए हैं। आगे वह पुलिस में जाने के साथ ही अपना यूट्यूब चैनल भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। जन्मजात बीमारी के बीच ललित पाटीदार ने अभी तक के जीवन में कई तरह के अनुभव किए हैं। इसमें कुछ अच्छे तो कुछ बुरे हैं। बचपन में बच्चे साथ खेलने से कतराते थे, कुछ लोग पत्थर भी मारते थे, कुछ ने बाल हनुमान समझकर मान भी दिया तो कुछ ने पत्थर भी मारे। परिवार व दोस्तों के सहयोग से समय निकल गया। सामान्य बच्चे किशोर के रूप में जीवन जीने की इच्छा हमेशा मन में रहती है, लेकिन जो है उसमें भी अब खुशी है। ललित की माँ पर्वत बाई व पिता बंकट लाल हैं। खेती किसानी करने वाले इस परिवार को ललित के इलाज के लिए भी लंबी मशक्कत करनी पड़ी। चिकित्सकों ने कंजेनिटल हायर ट्राइकोसिस नामक बीमारी से पीड़ित ललित के लिए अब यह सामान्य बात हो गई है। चेहरे पर लंबे बाल के कारण देखने में भी परेशानी होती है। ललित गांव के ही शासकीय स्कूल में कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रहा है। अच्छा खिलाड़ी होने के साथ ही बाइक आदि भी चला लेता है। स्कूल जाने के साथ ही दोस्त भी बनते गए और सबके साथ वह खेलों में भी भाग लेता है। ललित के घर में माता पिता के साथ ही 4 बहनें हैं, वह उनका इकलौता भाई है। अब उसकी दिनचर्या सामान्य हो गई है। डॉक्टरों ने 21 वर्ष की उम्र के बाद उपचार व सर्जरी होने की संभावना जताई है। ललित ने बेहतर उपचार के लिए सरकार से भी उम्मीद जताई है। मेरा नाम ललित पाटीदार है, मैं गांव नानलेटा में रहता हूं, जिला रतलाम, तहसील बिलकुलगा। मेरे बाल बचपन से ही है शरीर पर, समझते हैं। मैं जब पहले छोटा था तब देखते थे तो डर जाते थे, अब तो मतलब साथ में रहते हैं तो नेचुरल हो गया। लोग आपकी पूजा पाठ भी करते हैं? पहले मैं जब छोटा था तब बहुत ने की बहुत सारे लोग करते थे, अब तो जैसे बड़ा हुआ सबके ऐसा ही समान। पहले मुझे बाल हनुमान का रूप मानते थे, आंखों में गिरते थोड़ी मतलब खाना खाने में दिक्कत आती है। तो क्या? पहले जब छोटा था तब बड़ोदरा डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने मना बोल दिया था, अभी तो कोई इलाज नहीं है। बट उसके बाद 21 साल का हो जाऊंगा तब सर्जरी का ये इलाज, प्लास्टिक सर्जरी। मैं एक बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक जैसे कंप्यूटर चलना बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि सरकार कोई मदद कर दे, कोई मेरा मतलब इलाज भी हो जाए। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।